हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूं योनो एसबीआई का नया फीचर, जो कि एसबीआई का नेट बैंकिंग है। आज मैं आपको उससे यूपीआई आईडी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी और जानकारी हेल्पफुल लगेगी तो लाइक जरूर करना। समझ रहे हो ना। जब हम योनो खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको यूपीआई आईडी बनानी है, जैसा कि हम यूपीआई आईडी जो हमारा बनता है उस पर हम लोग ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं और ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र ले भी सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना योनो खोल दिया है, अब हम इसमें लॉगिन करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि लॉगिन करने के लिए दो फीचर इसमें देते हैं, एक एम पिन होता है और एक यूज़र आईडी पासवर्ड होता है। तो आपको सिंपल तरीके से अपना एम पिन डाल के इसे लॉगिन कर लेना है। ये योनो एसबीआई का नया फीचर आ चुका है जो कि आप बना सकते हैं अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा, योनो एसबीआई खुल गया। अब यहाँ पे एक योनो पे का ऑप्शन दिख रहा है जो कि बीच में है, इसी योनो पे से हम दूसरे को पैसा भी ट्रांसफर करते हैं। तो अब हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कोने में फ़ोन जहाँ बनाया हुआ है क्यूआर स्कैन लिखा हुआ है, उस क्यूआर स्कैन को हमें टच कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लुक लाइक यू डू नॉट हैव यूपीआई प्रोफाइल टू मेक पेमेंट्स, प्लीज़ रजिस्टर यूपीआई फॉर मेकिंग फर्दर ट्रांजेक्शन। क्या मतलब, कहने का मतलब यह है कि आपको आपका जो यूपीआई है वो आपके पास नहीं है, यूपीआई आईडी आपके पास नहीं है तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो सिंपल तरीके से हमको इसको ओके कर देना, तो चलिए ओके कर देते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे ओके करेंगे तो आपके रजिस्टर नंबर यहाँ मांगेगा, देखिए लिखा हुआ है क्रिएट रिसीव योर यूपीआई यूपीआई प्रोफाइल, ठीक है। व्हाट इज़ अ यूपीआई आईडी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आईडी, मतलब एक तरह से आपका एक जैसे ईमेल आईडी होती है ना, हम किसी को ईमेल आईडी दे देते हैं तो वो हमको उस पर कुछ भी ट्रांसफ़र कर देता है, उसी तरह ये आपका यूपीआई आईडी होता है। अगर किसी को पैसा भेजना है तो आप उसको अकाउंट नंबर नहीं देंगे, ये यूपीआई आईडी ही दे देंगे तो वो आपके खाते में इसी यूपीआई आईडी के थ्रू पैसा भेज देगा, वो अपने यूपीआई आईडी के थ्रू आपके यूपीआई आईडी में पैसा भेज देगा। ये जो यूपीआई आईडी होता है ये आपके अकाउंट से लिंक होता है, आपके खाते से ही लिंक होता है, ठीक है। तो आज हम इसी को बनाना सीख रहे हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। लिखा हुआ यूपीआई आईडी इज अ लाइक अ अंडर ईमेल आईडी एंड यूज टू ट्रांजेक्शन फंड्स डायरेक्टली टू अ बैंक अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको बताया है पहले ही कि ये ईमेल आईडी की तरह होता है, ये आपके अकाउंट में जुड़ा होता है, डायरेक्ट पैसा आपके खाते में आता है। लिखा हुआ यूपीआई आईडी इज लिंक टू योर मोबाइल एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। आपका जो यूपीआई आईडी होता है वो आपके मोबाइल नंबर से भी जुड़ा होता है और आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हम इसे क्रिएट करेंगे और नया फीचर जो है, देखिए जब हम इसको खोल देंगे तो यहाँ पे अगर आपने दो सिम लगाया होगा तो योनो में जैसा कि आपको पता है कि सेलेक्ट सिम मांगता है करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक सिम लगाया है, यही रजिस्टर है मेरा, तो एक ही सिम दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अगर आप में दो होगा तो जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा आप उसी पे क्लिक करिएगा, ये वेरीफाई होगा तभी जाके आपका यूपीआई आईडी बन पाएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीके से मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए कुछ टाइमिंग चल रहा है, वेरीफाइंग योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे लिख दिया है कि वेरीफाई आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई किया जा रहा है योनो एसबीआई की तरफ से, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो चुका है, अब वेरीफाई हो चुका है तो अब आगे बढ़ते हैं क्या दिखाता है। वीडियो लास्ट तक देखिए जरूर से और शेयर करना ना भूलिएगा, अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे बैंक्स के नाम आ गए हैं, ठीक है। आपके पास जो भी बैंक है, आपका जिस बैंक में खाता है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो हालांकि मैं स्टेट बैंक सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। आपका जिसमें भी है, देख रहे हैं बैंक बहुत सारे, इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक है, सिंडिकेट, DCB, HDFC, HBSC, मतलब बहुत सारे बैंक है। आपका जो भी बैंक होगा, RBL है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक है, इंडियन बैंक है, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे सब बैंक। आपका जो भी बैंक होगा आप सिंपल तरीके से उस बैंक पे क्लिक कर दीजिएगा, उसी बैंक के थ्रू उसी खाते में, अगर आपने जिस बैंक को चूज किया है, जिस खाते में आपने, अगर आपके पास चार अकाउंट है, आपने जिस खाते को चूज किया उसी खाते में आपका पैसा हमेशा आएगा, ठीक है। तो मेरा स्टेट बैंक में, तो मैंने स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको तीन यूपीआई आईडी ऑलरेडी देता है, जैसा हम फेसबुक बनाते हैं या फिर ईमेल आईडी भी बनाते हैं तो ऑलरेडी उसमें तीन यूपीआई आईडी देता है, तीन चार देता है कि आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट करके एक अपना बना सकते हैं। मतलब ये सब अभी नहीं बना हुआ है तो आप ये बना सकते हैं, इस आईडी को किसी और ने नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पे तीन ऑलरेडी है तो मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अलग से अपने लिए कुछ क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ ऊपर मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ, ये मैंने इसलिए हाइड कर रखा है, छुपा रखा है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने उसे छुपा रखा है, तो मैं यहाँ पे अपना एक यूपीआई आईडी अलग से क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सजेस्टेड यूपीआई आईडी लिखा है, तो तीन आईडी इसने मुझे सजेस्ट कर दिया है कि आप ये यूपीआई आईडी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, आपको कुछ टाइप करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, बस ये यूपीआई आईडी पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ अलग से बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने नाम से यूपीआई आईडी बना दिया है सिंपल तरीके से, और यहाँ पर लिखा हुआ चेक एपेबिलिटी, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इस नाम से किसी और ने तो नहीं बनाया, क्योंकि अगर किसी और ने बनाया होगा तो वो नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे बना दिया, अब मैं इसे चेक एपेबिलिटी करके क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस यूपीआई आईडी इज अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब आप इस यू पी आई आई डी पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी और ने ये यू पी आई आई डी नहीं बनाया है। अगर आपको ये तीनों समझ में आएगा तो आप इसे ले सकते हैं। नीचे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है सेलेक्ट योर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन देता है जैसा कि उन्होंने देता है, यहाँ पे पूछ रहा है आपके पिताजी का नाम और आपके एक चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम डाल देता हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे आप सिंपल तरीके से उसका नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन और देता है अकाउंट चूज़ करने का नीचे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आपके पास अगर तीन चार अकाउंट होगा तो आप उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस अकाउंट को आप सेलेक्ट करेंगे उसी अकाउंट पे यूपीआई आईडी बनेगी। तो मेरे पास एक अकाउंट है तो मैं उसी अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसी अकाउंट पर मुझे यूपीआई आईडी बनानी है, तो उस अकाउंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह आप भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही होगी लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन सक्सेसफुली क्रिएटेड योर यूपीआई आईडी, योर हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड यू पी आई आई डी, ये नीचे मेरा यू पी आई आई डी बन गया है। अब हम इसे फिर से बंद कर देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन देने लगेगा, आप किसी के क्यू आर को स्कैन करके आराम से पैसा उसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी ये पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी तरह आप अपना घर बैठे यू पी आई बना सकते हैं, आप फ़ोन पे भी चलाइए, गूगल पे भी चलाइए, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी चलाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन देता है, अब हम इससे सिंपल तरीके से लॉगिन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा लॉगिन करने के लिए एम पिन चाहिए या फिर यूज़र आई डी पासवर्ड चाहिए, तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पर एम पिन डाल के इसे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, आप ये भी बना सकते हैं, अपना बना लीजिएगा घर बैठे बैठे सिंपल तरीके से। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, मैंने यहाँ अपना एम पिन डाल दिया है, इसे खोल दिया, अब हम चलेंगे योनो पे पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्यू आर स्कैन पर मैंने क्लिक कर दिया है, अब यहाँ मुझे कैमरे का ऑप्शन देने को मिल गया। देखिए लिखा हुआ पॉइंट योर फोन कैमरा अदर क्यू आर कोड टू स्कैन, मतलब आप किसी और के क्यू आर को स्कैन करके उसके अकाउंट में पैसा दे सकते हैं। देखिए कैमरा यहाँ पर खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कैमरा खुल गया है, मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब हो गया इसलिए धुंधला दिख रहा है, तो आप इसी तरह अपना किसी का भी क्यूआर स्कैन करके उसे पैसा भेज सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि योनो एसबीआई के नेट बैंकिंग से, योनो एसबीआई से क्यूआर आईडी सॉरी यूपीआई आईडी कैसे बनाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।